हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे है। तो चलिए देखते हैं इसको कि यहाँ पर क्या क्या है। इस आश्रम में बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटो गैलरी। तो यहाँ पर गांधी जी की तस्वीरें हैं, ये देखिए गाइस, यहाँ पर गांधी जी की है तस्वीर। यहाँ पर गांधी जी चरखा चलाते हुए। यहाँ पर साबरमती आश्रम की टाइमिंग लिखी हुई है कि 1915 से 1930 तक में क्या क्या किया गया, उसी की तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर लगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर। यहाँ पर नमक सत्याग्रह आंदोलन की झांकी दिखाई गई है, जब दांडी यात्रा करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो अब हम आ गए हैं मंगल निवास। मंगल निवास में बहुत सारे चरखे हैं, जो गांधी जी उस समय पर सूत कातते थे, जिससे बनता था कपड़ा, खादी का कपड़ा। तो चलिए देखते हैं इसको।
अब हम आ गए हैं हृदय कुंज, जहाँ पर गांधी जी सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। तो चलिए देखते हैं इसको। ये उस समय की कुछ चीज़ें हैं जो गांधी जी उस समय यूज किया करते थे। तो चलिए देखते हैं इनको। ये चिनाई मिट्टी का कटोरा फल के लिए यूज करते थे। ये है गिलास और ये रही कटोरे जो सब्जी वब्जी के लिए यूज करते थे। और ये रहा गांधी जी का चश्मा, थाली, ये यहाँ पर पत्थर की थाली है। और ये रहा कस्तूरबा का कमरा। तो चलिए देखते हैं इसको अंदर से। तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी की फोटो लगी है। और ये ऊपर कुछ इस तरह की छत है। चलिए देखते हैं अब दूसरा कमरा। तो यह है गेस्ट रूम। जब उस समय कोई मेहमान आता था तो इसी कमरे में रुकता था। और ये रहा गांधी जी का कमरा। तो इसकी भी छत कुछ इस तरह से दिख रही है। नीचे यहाँ पे चरखा भी रखा है।
तो ये है लाइब्रेरी, यहाँ बहुत सारी किताबें रखी हैं। तो ये देखिए गाइस, किताबें ही किताबें। तो वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।